लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुरुवार 15 अगस्त को नई दिल्ली के लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। ये 10 साल में पहली बार था कि विपक्ष के किसी नेता ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लिया, क्योंकि ये पद पहले खाली था। 2014 से 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद किसी ने नहीं संभाला, क्योंकि किसी भी विपक्षी दल के पास जरूरत के हिसाब से संख्या में सांसद नहीं थे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सांसदों की तादाद में सुधार के बाद 25 जून को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। वहीं अब राहुल गांधी 15 अगस्त के मौके पर बतौर नेता प्रतिपक्ष लाल किला में स्वतंत्रता दिवस मनाने पहुंचे, और ये स्वतंत्रता दिवस विकसित भारत विषय 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। स्वतंत्रता की पहली वर्षगांठ 15 अगस्त 1948 को मनाई गई, जो स्वतंत्रता के पूरे वर्ष का प्रतीक है। इसीलिए 2024 तक भारत की आजादी के 70 साल पूरे हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।